नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करते हैं। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के झारखंड में 76 डाल्टनगंज विधानसभा से कृष्ण नंद चौधरी और 27 सुरक्षित चतरा सीट से संदीप कुमार चौधरी ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज हम कृष्णनंद जी को टिकट दिया है जो डाल्टनगंज से लड़ रहे हैं और जीतने के बाद यहाँ पर गरीबी बहुत है, गरीबी खत्म करेंगे और महंगाई भी खत्म करेंगे। यहाँ बंद कारखाने हैं उसको चालू करवाएंगे क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से सुरसा की तरह मुंह फैलाई हुई खड़ी है। एक डबल इंजन की सरकार देखती नहीं है, इसलिए हमने 76 डाल्टनगंज से कृष्ण नंदन जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जीत करके बंद पड़े कल कारखाने को चालू कराएंगे और व्याप्त रूप से जो गरीबी है उसको खत्म करेंगे। 13 नवंबर को महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार में धरना का आयोजन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है क्योंकि केंद्र सरकार के रवैये की वजह से जनता परेशान है। देखिए, अब आज आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हम आपसे सवाल करें कि परमानेंट हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते रहिएगा कि नहीं आते रहिएगा, तो ये सवाल थोड़ा अटपटा सा लगता है। देखिए, है जीतनराम मांझी जी थे, जीतनराम मांझी जी हैं और जीतनराम मांझी जी रहेंगे महागठबंधन के पार्ट एंड पार्टनर के रूप में। अब देख लीजिएगा ना, हम तो बता रहे हैं कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे लोग। हाँ, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से कोई एक आध व्यक्ति या कई लोग, सब लोग रहे सब दल के, और किसी दल के 10 करोड़ लोग मेंबर होते हैं तो 200 करोड़ लोग थोड़े रहते हैं, या नेता भी अगर 25-50 हैं तो सब लोग कहीं थोड़े होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग होते हैं, तो व्यक्तिगत कोई इंगेजमेंट के चलते कोई न रहे यह एक अलग विषय होगा। लेकिन महागठबंधन की सभी पार्टी शिरकत करेगी और वाम दल के लोग भी शिरकत करेंगे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले में वरिष्ठ जनों के लिए एक रिक्रिएशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर के लिए स्थानीय निवासी योगेंद्र राय ने अपना आवास इस नेक कार्य के लिए निशुल्क उपलब्ध करवाया। स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया ने फीता काटकर इस सेंटर का शुभारंभ किया। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन है, साथ ही आज ही के दिन गुरु नानक देव का जन्मदिन भी आज है, तो इस अवसर पर हमने सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के लिए एक रिक्रिएशन क्लब का विचार मन में आया और मन में ये भी विचार आया कि इसके साथ साथ निःशुल्क गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाए, तो हमने आज का दिन भी उचित समझा और हमारे स्थानीय विधायक जो डॉक्टर संजीव चौरसिया हैं उनसे आग्रह किया उद्घाटन का, तो वो आए लेकिन उनके पास अधिक समय नहीं था, तो 5 मिनट रुके, उद्घाटन करके वो चले गए। तो इस रिक्रिएशन क्लब के का मतलब ये होगा कि इसमें जो बुज़ुर्ग लोग हमारे मेम्बर हैं वो यहाँ खाली समय में आकर के बैठेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मनोरंजन करेंगे, कैरम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, चेस खेलेंगे, और शाम में हम लोगों ने ये रखा है कि गरीब बच्चों के को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या गार्जियन का ध्यान उन बच्चों को पढ़ाने पर नहीं है उनको निःशुल्क शिक्षा हम लोग देंगे यहाँ पर बैठा के। बिहार दैनिक पर श्रमिक कर्मिक चालक का सामूहिक 2 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव उस धरने में पहुंचे और धरना को संबोधित करते हुए चालक को बोले कि इसके लिए हम आपके साथ हैं, आगे की लड़ाई में जब भी पप्पू यादव को खोजा जाएगा आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। सस्पेंड करिए और 302 का मुकदमा लगाइए और इस परिवार को 20 लाख रुपया का मुआवजा और एक नौकरी की घोषणा करिए, क्योंकि लापरवाही के चलते आपके पीएमसीएच में इसकी मौत हुई है और डेंगू है ही नहीं या डेंगू है आपने फेंक दिया नीचे में और आपने देखा तक नहीं आकर के। मुजफ्फरपुर जिला में लगातार लुटेरों द्वारा पेट्रोल पंप कर्मियों से हो रहे लूट से परेशान होकर मुजफ्फरपुर पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की टीम ने वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत से मुलाकात किया। इस दौरान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो वो पेट्रोल पंप बंद करने पर बाध्य हो जाएंगे। पेट्रोल पंप व्यवसायियों के साथ कंटिन्यू जो घटनाएं हो रही है उस घटने को रोकने के लिए प्रशासन क्या कार्रवाई कर सकती है, हम लोगों को क्या मदद कर सकता है, इसी के लिए आज बिहार पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन आकर के SSP मुजफ्फरपुर से बात की। SSP मुजफ्फरपुर ने बताया कि पूर्व में जो भी घटनाएं हुई है
उस घटना की समीक्षा कर करके तुरंत हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। जो घटना हो रहा है उस घटना को फिर नहीं हो आप लोगों के साथ, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। घटना धनरुआ थाने की रेड़ बिघा गांव की है, जहां नदी पार करने के दौरान दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों बच्ची अपने मौसी के घर रेड़ बिघा गांव जा रही थी, वहीं दोनों मृतिका धनरुआ थाने के डुमरा की रहने वाली थी। फिलहाल धनरुआ थाने की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए PMCH भेज दिया है। मधुबनी के बेनीपट्टी स्थित डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के 24वें अंचल सम्मेलन का आयोजन प्रभात कुमार और करण कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में किया गया, जिसमें देश में शिक्षा का किया जा रहा बाजारीकरण, समाज के कुरूतियों को दूर करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेनीपट्टी का 24वां अंचल सम्मेलन नीलांबर चौधरी महाविद्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ है। यह सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन है, जो कि देश के अंदर में शिक्षा का बाजारीकरण, शिक्षा से गरीबों को वंचित करने की साजिश, सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल को बंद करने की उच्च स्तरीय साजिश और शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मचारी की अस्थायी बहाली की मांग को लेकर एवं सभी छात्र छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त एवं वैज्ञानिक शिक्षा देने को लेकर यह हमारा सम्मेलन आयोजित था। विभिन्न यूनिट सम्मेलन को करते हुए प्रखंड का सम्मेलन करते हैं, फिर जिला का सम्मेलन करते हैं और इसी तरीके से राज्य और राष्ट्रीय में होता है। इस सम्मेलन में जो देश की शिक्षा की व्यवस्था है ऊपर खुलेआम चर्चा किया गया और हम लोग नई अंचल कमेटी का जो मेंबर है, नया कमेटी का जो गठन किया गया है। मधुबनी के बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का समापन हो गया। इस मौके पर जिला पार्षद खुशबू मिश्रा ने कहा कि जिस तरह विद्यालय और महाविद्यालयों में अन्य विषयों की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होती है, उसी प्रकार सभी विद्यालयों में मैथिली और मिथिलाक्षर की पढ़ाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल वर्षों से चला आ रहा है, जो आज भी कायम है। भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना काफी आसान है। पहले भगवान के नाम पर लोगों को डराओ, फिर पूजा पाठ के नाम पर उनसे पैसे ऐंठना आम बात है। और ऐसा सबसे ज्यादा होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनेर के हल्दी छपरा स्थित संगम घाट पर, जहाँ ओझाओं और भगत की भीड़ सी लगी होती है। ये ओझा और भगत इस ताक में लगे होते हैं कि कब कोई ऐसा भक्त आए जो डरा और सहमा हो। जब इन सब मुद्दों पर ओझाओं से बात की गई तो उनका कहना है कि वो तो लोगों की बात भगवान तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन कार्तिक पूर्णिमा का हम लोग खूब से पूजा कर रहे हैं। जनता भाई के प्रेम बस के गंगा नाम लेके हम लोग गंगा से क्षमा मांग के विनती करके सुख के लिए अपना शरीर के लिए दुखिया के लिए सुख के इसलिए हम लोग पूजा देते। भूत प्रेत आत्मा भी बहुत बहुत क्या ये सब नहीं है। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।